नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों यहां पर मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में करेगी। इससे पहले दोस्तों ऑलराउंडर कायरोन पोलार्ड जो है वो 7 दिन का क्वारंटीन खत्म करके टीम से जुड़ चुके हैं और ट्रेनिंग के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों के सवाल थे कि और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि कायरोन पोलार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे पहले मैच के लिए क्योंकि वो भारत नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कायरोन पोलार्ड भारत आ चुके हैं और 7 दिन का क्वारंटीन भी खत्म कर चुके हैं। और यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने सबको शॉकिंग न्यूज दी है कि यहाँ पर पोलार्ड जो है वो 7 दिन का क्वारंटीन खत्म करके टीम से जुड़ गए हैं और दोस्तों ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चेन्नई में मुंबई की कैप में उनकी अनुपस्थिति से सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वे टूर्नामेंट में देर से शामिल होंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मुंबई की फ्रेंचाइजी ने कोई भी मतलब जानकारी नहीं दी थी। और यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह चेन्नई में मुंबई की टीम से जुड़ गए हैं। उनकी 7 दिन की क्वारंटीन की जो पीरियड है वो पूरा हो गया और दोस्तों वो वेस्ट इंडीज़ से आकर चेन्नई में मुंबई की यूनिट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने BCCI द्वारा निर्धारित क्वारंटीन अवधि को हाल ही में समाप्त किया, यही कारण है कि वो टीम के साथ में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों IPL की SOP के अनुसार उन खिलाड़ियों को क्वारंटीन से छूट दी गई थी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में हिस्सा थे और वहां बनाए गए बायो बबल का हिस्सा थे। लेकिन शर्त ये थी कि उनको इस सीरीज के लिए बनाए गए बायो बबल से सीधे बस या चार्टर्ड फ्लाइट से अपनी फ्रेंचाइजी के होटल पहुंचना था। बायो बबल से दोस्तों बायो बबल से संबंधित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर BCCI ने काफी मतलब कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी और इसी वजह से दोस्तों RCB कप्तान विराट कोहली भी क्वारंटीन हुए थे क्योंकि दोस्तों वो बायो बबल को तोड़कर बाहर चले गए थे। तो यहां पर कुछ खिलाड़ी थे जैसे कि यूजी चहल, मोहम्मद सिराज, इन्होंने बायो बबल को तोड़ा नहीं और बायो बबल से बायो बबल में एंट्री ली और इसी वजह से वो पहले दिन से प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। वहीं पर दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद में उन्होंने बायो बबल छोड़ दिया था। विराट कोहली ने सीरीज खत्म होने के बाद में बायो बबल छोड़ दिया था और 1 अप्रैल को RCB से जुड़े थे और तूफानी बल्लेबाज AB डिविलियर्स भी RCB की टीम से उसी दिन जुड़े थे। दोनों क्वारंटीन में थे और दोस्तों आज उनका भी क्वारंटीन खत्म हो चुका है और दोस्तों दोनों ने फोटोशूट करवाया और दोस्तों दोनों खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आने के बाद में वो प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा ले सकेंगे। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट थी यहाँ पर कायरोन पोलार्ड को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हम सब जानते हैं कि पोलार्ड जो हैं वो RCB के खिलाफ एक मतलब मैच मतलब RCB के खिलाफ काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन रहता है। जहां पर दोस्तों पिछले साल की अगर बात करें तो RCB का जीता हुआ मैच था, उस मैच में कायरोन पोलार्ड ने और ईशान किशन ने मिलकर उस मैच को सुपर ओवर तक लाकर खड़ा कर दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोलार्ड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हारी हुई बाजी को पलटना जानते हैं और RCB के पहले मैच में सबसे बड़े जानी दुश्मन साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पोलार्ड होंगे RCB के जानी दुश्मन पहले मैच में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।